तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। तो द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इस मूवी की दोस्तों मैं आपको कह सकता हूँ हाइप बहुत ज़्यादा है। विजय थैलापति की द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द टाइम आप यकीन नहीं करोगे, बस इस पे बातें क्यों नहीं हो रही हैं। हाइप बहुत तगड़ी है और अगर इस मूवी का कुछ भी आ जाता है तो आप लोग यकीन करो कि आंधी सी आ जाएगी सोशल मीडिया पे। अब आप यही सोच रहे होंगे कैसे भाई, अभी तो इतनी बड़ी बड़ी मूवी चल रही हैं, तू कैसे बोल रहा है। भाई मैं आप लोगों को खुल्लम खुल्ला बात बता रहा हूँ कि पॉलिटिक्स में जाने से पहले विजय थैलापति की ये आखिरी मूवी होने वाली है, आखिरी लास्ट। और यहाँ पे मेकर्स सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, सबसे बड़ी। देखो मैं आप लोगों से ये भी कह सकता हूँ कि ये मूवी हो सकता है लास्ट ही हो, क्योंकि यहाँ पे वापसी के जो दरवाजे होते हैं बहुत मुश्किल होते हैं। अगर विजय थैलापति अपनी इस मूवी को करने के बाद में सीधा पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेते हैं और अगर वो अपने दिमाग में ये बात सोच रहे हैं, तो कम से कम अपनी इस मूवी के लिए वो इतनी दोस्तों शिद्दत और मेहनत करें कि कम से कम हर पोस्टर में हर एक कंटेंट पे ये लिखा हुआ ज़रूर हो कि विजय थैलापति लास्ट मूवी। और फिर आप लोग देखना मूवी का क्या तगड़ा रेस्पॉन्स आएगा। पब्लिक यहाँ पे टूट के दौड़ के भागेगी, क्योंकि यही सोचेगी खासतौर से विजय थैलापति के फैंस कि भाई लास्ट मूवी है, जितना सपोर्ट करना है कर लो, उसके बाद ये इस साल की नंबर वन मूवी बन सकती है अगर मेकर्स इस तरीके से चलें। लेकिन मेकर्स ये सब नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि इसके बाद भी कोई एक और मूवी हो, जो कि हमारे पास न्यूज़ आ रही है कि एटली शाहरुख एंड विजय थैलापति के साथ ये तीनों ट्रायल एक मूवी आएगी। लेकिन अभी वो कब आएगी इसके बारे में नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पर शाहरुख खान भी बिजी हैं, फिर एटली भी बिजी हैं, फिर यहाँ पर विजय थैलापति का सुनने में आ रहा है कि वो पॉलिटिक्स यूज़ कर रहे हैं। खैर वो एक जाने दो। अब यहाँ पर दोस्तों इस मूवी से रिलेटेड जो अभी अब एक टीजर आया था, आपको याद होगा विजय थैलापति का, आई थिंक शायद बर्थडे वाले दिन, क्या लेवल का वो था। मैंने उसका रिव्यू भी दिया था, वो आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया उस पर। मैं चाहता हूँ कि इस पर भी आप लोग काफ़ी ज़्यादा प्यार दें। देखो भाई यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ किस लेवल का वो छोटा सा ग्लिम्स था, बहुत ही कमाल का था। यानी कि उसने एक छोटे से ग्लिम्स ने पूरी मूवी को एक तरीके से प्रमोट करके रख दिया। हम सोचने पर मजबूर हो गए कि ये मूवी एक्चुअली में क्या कहने की कोशिश कर रही है, यानी कि ये मूवी जो है एक पास्ट पीरियड है, टाइम पीरियड है, क्या है। कुछ भी यहाँ पे दोस्तों समझ में नहीं आया, लेकिन इतना तो समझ में आ गया कि मूवी के अंदर काफ़ी भर भर के VFX एंड बहुत ज़्यादा साईफाई मूवी होने वाली है। यानी कि आप लोग ये समझ के जाइएगा कि हमें मूवी के अंदर दिमाग लगाना, और दिमाग यहाँ पे दोस्तों लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जो साउथ की फिल्में आ रही है ना भाई साहब, हिला के रख दे रही हैं, दिमाग फाड़ दे रही हैं। अभी जो एक मूवी आई महाराजा, भाई दिमाग को चीर के रख दिया उस मूवी ने। मैं कह रहा हूँ कि एक बार आप ज़रूर देखें विजय सेतुपति के महाराजा, आप देखें ज़रूर। फिलहाल इस मूवी से रिलेटेड दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट आई है, बहुत बड़ी। अब आया क्या है कि यहाँ पे दोस्तों कहा जा रहा है द पैच वर्क ऑफ द गॉड इज गोइंग ऑन फॉर टू डेज एट श्री गोकुलाम स्टूडियो। यानी कि इसका जो पैच वर्क है वो दो दिन में स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि और होगा कहाँ, श्री गोकुलाम स्टूडियो में। बाकी विजय थैलापति एंड प्रभु देवा इज टेकिंग सीन। मूवी के अंदर विजय थैलापति के साथ में प्रभु देवा भी होंगे। अब आई डोंट नो प्रभु देवा किस रोल में होंगे, क्योंकि इसके बारे में अभी कोई खुलासा नहीं है। अगली वीडियो में प्रभु देवा के बारे में ज़रूर बताऊंगा कि प्रभु देवा का क्या इसमें रोल होने वाला है। अब देखा जाए छोटे से ग्लिम्स में भी ऐसा क्या पता लग पाएगा। यार देखो पोस्टर ही आया है, एक ये पोस्टर आया और एक वो है जिसमें प्रभु देवा पोस्टर, इसमें चार लोग हैं। अब यहाँ पे IMDb पे जाके देखें आप, या फिर विकिपीडिया पे आप सर्च कर लें, प्रभु देवा का नाम इस मूवी से जुड़ रहा है। लेकिन अभी नहीं पता लग पा रहा कि एक्चुअली में इतनी बड़ी स्टारकास्ट जो इन्होंने ली है, प्रभु देवा भी हैं, वाई क्यों लिए, वो खैर बाद में पता लगेगा, खैर वो हम देखेंगे बाद में। बाकी दे आर प्लानिंग टू रिलीज इन दिस फिल्म इंग्लिश डब्ड वर्जन। यानी कि दोस्तों इस मूवी को एक तरीके से आप ये समझ के चलें कि थिएटर्स में जब रिलीज किया जाएगा ओवरसीज में, खास तौर से इंडिया में, तो चलो ये है कि अपना हिंदी डब्ड होगा, फिर अगर साउथ में तमिल से है तमिल में डब्ड होगा, मलयालम में डब्ड होगा, अपना देखो जैसे होता है, पैन इंडिया मूवी जैसे बनती है वैसे बनती है। लेकिन दोस्तों अब इस मूवी को इंग्लिश में भी, यानी कि ओवरसीज में, खासतौर से वहाँ पे जो पब्लिक है, भाई देखो सीधी सी बात है भाई, अंग्रेज लोग हैं। अब वहाँ पे ये लोग बाकी के पता है क्या करते हैं, ये लोग ये करते हैं कि अपना तमिल में या हिंदी में रिलीज़ कर देते हैं, ठीक है। उसके नीचे जो कैप्शन होता है ना, अब आप मुझे ये बताओ दिल पे हाथ रख के अपने, कि अगर आपको मैं एक मूवी दूँ जिसमें जो प्रॉपर इंग्लिश मूवी हो लेकिन उसमें कैप्शन हिंदी में लिखा हो, तो आपको देखने में मज़ा आएगा। और आप लोगों को थिएटर में ऐसी मूवी में दिखाऊं जिसमें आप लोग 300 रुपये या 500 रुपये, वो तो मैं इंडिया के रेट बोल रहा हूँ, वहाँ के तो और ज़्यादा हैं। वहाँ पर पता क्या रहता है, आदमी फेस को देखेगा, एक्सप्रेशन को देखेगा, क्या कह रहा है वो देखेगा, नीचे कैप्शन को बार बार यूं 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 करके देखेगा, मज़ा नहीं आता है ना।
तो यहाँ पे विजय थैलापति की इस मूवी में इंग्लिश डब्ड होगी, यानी कि प्रॉपर मूवी, कैप्शन वैप्शन को मारो गोली, सीधी हिंदी इंग्लिश डब्ड, सीधा इंग्लिश में आप लोगों को देखने को मिलेगी अगर आप लोग वहां पे रहते हैं, यानी कि इंडिया से बाहर। तो ये चीज इस मूवी के अंदर काफी जबरदस्त रखी और बेहतर रखी, और मैं तो यही कहूंगा कि भाई सभी को इस तरीके का करना चाहिए। जब वो हिंदी में कर रहे हैं या फिर हिंदी वाले नॉर्थ साउथ की लैंग्वेज में कर रहे हैं, तो भाई अगर आप ओवरसीज में रिलीज कर रहे हैं तो आपको क्या हर्ज है इंग्लिश में करने का। दो भाई जब लाखों, मतलब लाखों कह रहा हूँ, जब करोड़ों रुपए, 300, 400, 500, 700 करोड़ रुपए, 800 करोड़ रुपए एक मूवी में लगते हैं, तो भाई थोड़े से और पैसे अगर लग जाएंगे तो किसी के बाप का क्या चला जाएगा, मुझे आप ये बताओ। तो फिलहाल दोस्तों देखो, सीधी सी बात है कि इंग्लिश डब्ड में मूवी रिलीज हो रही है, काफ़ी अच्छी बात है, बहुत बहुत ही बढ़िया बात है। और देखो कर भी क्यों रहे मेकर्स, क्योंकि मूवी का जो एक कंटेंट है ना, वो कंटेंट एक तरीके से सीधा हॉलीवुड को टक्कर देने वाला है। ये जो कंटेंट है, यही चीज़ साउथ वाले सीधा बॉलीवुड से नहीं, सीधा हॉलीवुड को टक्कर दे रहे हैं। आप देखो कल की महाराजा देख लो आप, महाराजा अगर यहाँ पे हॉलीवुड वालों की नज़र पड़ गई ना, तो हॉलीवुड वाले अपना ही एक लेवल बना देंगे भाई साहब। बहुत तगड़ी फिल्म है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप जाके देखो। लेकिन दोस्तों मुझे इस मूवी से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं, और मूवी देखो 5 सितंबर को रिलीज़ हो रही है, इसी साल, यानी कि बीच में क्या पड़ा है, जुलाई आधा निकल गया, बीच में सिर्फ अगस्त है, सिर्फ अगस्त, देखा जाए कितने दिन बचे हैं, 15, ये 5, वो 20, बीच में अगस्त, 1 महीना 20-25 दिन, यानी कि 2 मंथ मान के चलो, 2 महीने इस मूवी को बचे हैं सिर्फ और सिर्फ। अब यहाँ पे इसका अगला जो पेशकश आएगा वो देखो, अभी हाल फिलहाल में एक सॉन्ग की शायद अपडेट आ रही थी, शायद सॉन्ग आएगा या आया है, नीचे कॉमेंट में मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैं आज से इस मूवी को अब फॉलो कर रहा हूँ, और अब इस मूवी से रिलेटेड आप लोगों को कुछ ना कुछ मेरे से इस चैनल पे देखने को जरूर मिलता रहेगा। तो फिलहाल नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताएं। तो मिलता हूं आपसे अगली किसी वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।